एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं जा रही हूँ बर्फ़ देखने। यस, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि ये है न्यू ईयर वाला वीकेंड और जैसा कि आप मौसम भी देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि थोड़े ही टाइम में मौसम ख़राब हो जाएगा और स्नोफॉल के चांसेस हैं। तो क्या हमें बर्फ़ मिल पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। आज हम ऐसे ही रैंडम निकल चुके हैं और जहाँ तक हमें बर्फ़ मिलेगी हम वहाँ तक ट्रैवल करेंगे। अब लेट अस सी, क्या हमें बर्फ़ मनाली तक मिल जाएगी या हमें मनाली से भी आगे जाना पड़ेगा? क्या मौसम ऐसा ही रहेगा या साफ़ हो जाएगा या फिर और ख़राब हो जाएगा कि हमें बर्फ़ देखने मिल जाएगी? इतना सारा सस्पेंस, मेरा दिमाग तो यही सोचने में लगा हुआ है कि भगवान क्या होगा, बर्फ़ पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। पर चलो, तब तक हम इस सुंदर से हाईवे को एंजॉय करते हैं। और ये क्या, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हल्का हल्का सूरज भी निकलने लगा है। अब मुझे कोई पता नहीं है कि आगे क्या होगा। ये फॉग भरा मौसम जिसमें कुछ क्लियर तो दिख नहीं रहा है, पर फिर भी इन वादियों की अलग ही बात है। और वाओ, ये मुझे दिखे बर्फ़ के कुछ पहाड़, और इनको देख के तो मेरे एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ ही गया। मैं सोच रही थी कि मैं इनके पास ही चले जाऊं, बट आई नो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और बर्फ़ ढूंढने के चक्कर में हम मनाली से आगे भी पहुंच गए हैं, पर अभी तक हमें बर्फ़ देखने तो नहीं मिली है। अब तो बस इन पहाड़ों को देखते रहो और अपना मन बहलाते रहो कि वाओ। पर इन पहाड़ों की ब्यूटी भी कुछ कम नहीं है। ये रास्ते देख सकते हैं आप, कितने सुंदर लग रहे थे। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine. थोड़ी ही देर में मुझे लगा कि आज बर्फ तो मिलने से रही, तो इट्स बेटर कि हम आस पास ही इंजॉय कर लें। तो हमने सोचा कि हम रुकेंगे सोलांग वैली और वहाँ क्या क्या एडवेंचर्स हैं उनको ही एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि हमने आज तक वो किए ही नहीं। हमेशा हम लाहौल निकल जाते हैं और सोलांग वैली हमेशा छूट जाती है। तो आज हम जाएंगे सोलांग वैली और वहाँ हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। ऑल्दो यहाँ भी बहुत भीड़ है, काफ़ी लोग यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं आज मैं कौन सी एक्टिविटीज़ इन्जॉय करूँगी। फर्स्ट एक्टिविटी जो आपको मनाली से आते ही दिखती रहेगी वो है ये पैराग्लाइडिंग वाली एक्टिविटी, पर मुझे हाइट से लगता है बहुत डर, तो ये तो मुझसे नहीं हो पाएगी। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ एक और एक्टिविटी हो रही है, बंजी जंपिंग, बट ये भी मुझसे नहीं होगी क्योंकि फिर से मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। तो मैं करूँगी क्या फिर? हम करेंगे ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमें हवा में उड़ना ना पड़े और हमें डर भी ना लगे कि हम बहुत हाइट पर हैं। सो यस, मैंने सोचा कि हम करेंगे हॉर्स राइडिंग, और ये आई एम ऑन माई हॉर्स और मेरे हॉर्स का नाम है बिजली। शुरू में तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि ये एक्टिविटी ठीक भी रहेगी या नहीं, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे मुझे अच्छा लगता जा रहा था कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है। रास्ता आप देख सकते हैं काफ़ी हमें एक टफ टेरेन पे लेके जा रहे हैं ताकि हम इंजॉय भी कर सकें। थोड़ी ही देर के बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि इट्स अ वेरी सेफ एंड इंजॉयबल राइड, तो अब मैंने इस पे इंजॉय करना शुरू कर दिया था। और रास्ते में यहाँ काफ़ी सारे लोग आ भी रहे थे, तो उनको देख कर भी अच्छा लग रहा था कि येस, पीपल आर ऑल्सो इंजॉइंग दिस थिंग। और आप देख सकते हैं सामने से काफ़ी सारे लोग घोड़ों पर ही आ रहे हैं, जो कि बहुत मज़ेदार था। फिर एक पॉइंट पे आने के बाद हमने सोचा कि अब हम अंजनी महादेव मंदिर भी जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा व्यू है। और यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा थी कि आपको खाने के लिए भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि चाय, मैगी और पकौड़ा, तो उससे आपका काफ़ी काम बन जाएगा और आप इंजॉय भी करेंगे। और ट्रैक के रास्ते आप देख सकते हैं काफ़ी हैपनिंग है, रास्ता बहुत मज़ेदार था। और यहाँ थोड़ी थोड़ी देर के बाद ही काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए हैं, अगर आपके हाथों को लगती है ठंड तो आप साथ साथ में यहाँ सेक भी सकते हैं, क्योंकि आग आपको ऑलमोस्ट हर स्टॉल में मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। और ये देख सकते हैं आप यहाँ से ब्यूटीफुल सा व्यू। फिर काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुँचते हैं अंजनी महादेव की शिवलिंग के पास। ये बहुत ही सुंदर शिवलिंग है और आजकल तो ये बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पानी जम गया होता है।
दर्शन करने के बाद हम उतरे हैं नीचे और इस टाइम मेरे पैर बिल्कुल फ्रीज हो चुके थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। ऑल्दो मैंने सॉक्स पहने थे पर फिर भी ऐसा लग रहा था कि पाँव बिल्कुल मर ही चुके हैं। और अपनी ठंड को दूर भगाने के लिए हमने थोड़ी देर सेकी आग जो कि मंदिर के नीचे ही आपको मिल जाती है। तो थोड़ी देर ऊपर आग सेकने के बाद मैं नीचे भी आग सेक रही हूँ क्योंकि हाथ हो गए थे बहुत ही ठंडे। आप मेरी शक्ल से देख सकते हैं कि बहुत ठंड लग रही थी। और अब टाइम आ गया था अपनी राइड पे वापस जाने का। सो ये मैंने अपने हॉर्स पे किया राइड और हमारी बैक जर्नी शुरू हो गई। जाते वक्त मैं बहुत कंफर्टेबल थी, मुझे एक टाइम का एक्सपीरियंस तो हो चुका था और जाते वक्त हम काफ़ी तेज़ भी गए तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। और ये हम आ गए अपने एरिया में वापस। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको याक के साथ राइड करनी है या आपको फ़ोटोज़ लेने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ऑल्दो हमने ये नहीं किया था क्योंकि हमें ऊपर से नीचे आने में बहुत टाइम लग गया था। और ये सुंदर सा पैराग्लाइडिंग का व्यू जो आप देख सकते हैं। सो नीचे आकर हमने फिर से सेकी आग क्योंकि हाथ हो गए थे बहुत ही ठंडे। और आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो।